अरे नहीं, ये बुढ़ी हो गई, इससे नहीं होता है। बोलते हैं सुबह सुबह मन करता है, लेकिन क्या बोले। अब मैं देखो, सबसे मेन चीज क्या होता है ना, कोई साथ में अगर करने वाला हो ना तो अच्छा लगता है। अब अकेले तो कोई अपने से तो करेगा नहीं। अब उम्र भी तो नहीं है ना यार कि अब अकेले कहीं भी मतलब नहीं हो सकता है, उसे पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर लोग भी बोलता है कि सुबह सुबह जो है अगर आप कर लेते हैं ना तो पूरा दिन आपका एकदम जो है एकदम तरोताजा रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हर काम में आपको मन लगेगा, आपका ध्यान जो है इधर उधर भटकेगा नहीं। मेरा तो देखो शरीर का गलती नहीं है, उम्र ऐसा हो गया है ना, इस उम्र में किसी के साथ होगा समझ सकते हैं। अरे तो तुम डॉक्टर है तो तुम ज्यादा अच्छे से पता वीरेंद्र होगा को बोल रहे हैं क्या? ना। वीरेंद्र है क्या? नहीं पागल, दूसरा है। पापा क्या हुआ? वीरेंद्र नहीं अपहास नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं मेरी नहीं बीबी अब नहीं, ऐसी, मेरी बीबी वैसी, मेरी बीबी से कुछ नहीं होता है, मेरी बीबी कुछ नहीं कर पाती है, इसके अंदर वो बच्चा ही नहीं है ताकत, नहीं, इसकी तो हम ये एकदम बोलेंगे ना ना कि सुंदर एक है कंटिन्यू, ना अगर भैंस स्टार्ट है। किया है ना तो कंटिन्यू करो, उसको रोकना मत बीच में। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। तो गाइस अभी जैसा आपने देखा, मैं अपने बेडरूम से निकल के मैं आपको दिखाया कि वो कैसे सोफा पे बैठ के आराम से मोबाइल देख रही है। तो मेरे माइंड में, माइंड में क्या मतलब, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि इन्होंने आइडिया दिया था डबल मीनिंग प्रैंक का, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। और अभी मेरे फ़ोन पे एक कॉल आएगा, मेरा फ्रेंड है एक डॉक्टर जिससे मैं बात करूँगा, और क्या बात रहेगी वो आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। गाइस वीडियो चले गए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्दी से मैं मिलता हूँ प्रैंक में। लेट है आप गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। रिपोर्ट गए जी, बाप कहाँ रे है? बाप, पता नहीं कैसे मोटाया गया इतना ना कि हमको कुछ पता ही नहीं रहता है क्या चीज कहाँ है। उसका मोटाने का रिमोट में क्या मतलब है? फोन आ गया, मोटा गई है मोटी तो ही है। हेलो, भैंसा कहीं का खुद। हाँ हाँ प्लानिंग। अच्छा नहीं, वही हम सोचे अचानक से कैसे फोन आ गया। हाँ, तो सही है, सुबह सुबह करो अच्छा लगेगा। नहीं अरे देख, मन तो करता है लेकिन क्या बोले यार। हाँ सुबह सुबह देखो, जो काम सुबह सुबह जब हो जाता है ना, एकदम पूरा दिन भर एनर्जेटिक बना रहता हूँ, पूरा शरीर में ताकत आता है पूरा। हाँ कहाँ पे? अच्छा, हाँ तो अरे नहीं, ये बुढ़ी हो गई, इससे नहीं होता है। बोलते हैं सुबह सुबह मन करता है, लेकिन क्या बोले। अब मैं तो देखो, सबसे मेन चीज़ क्या होता है ना, कोई साथ में अगर करने वाला हो ना तो अच्छा लगता है। अब अकेले तो कोई अपने से तो करेगा नहीं। अब उम्र भी तो नहीं है ना यार कि अब अकेले कहीं भी मतलब नहीं हो सकता है, उसे पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर लोग भी बोलता है कि सुबह सुबह जो है अगर आप कर लेते हैं ना तो पूरा दिन आपका एकदम जो है एकदम तरोताजा रहता ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है। हर काम में आपको मन लगेगा, आपका ध्यान जो है इधर उधर भटकेगा नहीं। नहीं क्या बोले, ये इतना बुढ़ी हो गई है ना। मेरा तो देखो शरीर का गलती नहीं है, उम्र ऐसा हो गया है ना, इस उम्र में किसी के साथ होगा समझ सकते हैं। लेकिन मान ली, कितना नहीं उम्र तो हो गया तुम है अभी कंटिन्यू का? करो ना, तो क्या दिक्कत है। नहीं तुम कंटिन्यू करो, सही बात है। हाँ, अरे तो तुम डॉक्टर है तो तुम ज्यादा अच्छे से पता होगा वीरेंद्र को बोल रहे हैं क्या? ना। वीरेंद्र है क्या? नहीं पागल, खाली दूसरा है। पापा क्या हुआ? वीरेंद्र से नहीं अपहास नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं। अरे नहीं, वो वाइफ है मेरी। तब कौन डॉक्टर का दोस्त है जी? अरे यार है, आप जानते हैं क्या कौन है? कुछ भी किसी से भी डिस्कशन करिए, यही करिए। अब आप, हम बुढ़िया हो गए हैं। 33 साल अब होगा तो बुढ़िया हो गया 33 साल में। देख रहा है और ना, 35 साल के बुढ़े मतलब बुढ़े नहीं हो देख गए? गलती जानता है कहाँ है। गलती ये है ना कि हम लोग कम उम्र में शादी कर ली। सही पकड़े हैं। अभी एक रिसेंटली अभी एक शादी में हम लोग गए थे, उस भैया का 40 साल की उम्र में भैया शादी किए हैं। बताओ 40 साल की उम्र में वो
जो कारनामा वो कर रहे हैं ना, वो हम आज बताओ ये 35 साल की उम्र में भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इसको बोलो तो मुंह बना लेगी, लेकिन बोलती है अरे नहीं अब कहाँ। एक बार गलती से सुबह एकदम हुआ था, उसके बाद 3 4 दिन तक जो ही शरीर पे एकदम पकड़ के बैठी, बेड पे एकदम उठी नहीं। कभी अगर गलती से हो जाता है ना, तब तो फिर पूरा दिन जो है तुम्हारा बर्बाद। ना तुमको खाना मिलेगा टाइम पे, ना चाय मिलेगा टाइम पे, ना तुमको नाश्ता मिलेगा टाइम पे। पूरा कहानी बताइए ना मेरे बारे में, और क्या क्या हम करते हैं। उधर जाके बात करेंगे, बता उधर जाइए। नहीं मेरी बीबी नहीं ऐसी, मेरी बीबी ये चीज वैसी, मेरी बीबी से कुछ नहीं होता है, मेरी बीबी कुछ नहीं कर पाती है, इसके अंदर वो बच्चा ही नहीं दिखाता, नहीं, इसकी तो हम ये बोलेंगे एकदम ना नासिक कि दर है, कंटिन्यू, ना अगर भैंस। स्टार्ट किया है ना तो कंटिन्यू करो, उसको रोकना मत बीच में। सुबह सुबह डेली अगर कर लेने से क्या होता है ना, पूरा एकदम दिन जो है पूरा ज्ञानी तरोताजा बाबा रहता है, है। बड़ा हाँ है डॉक्टर को सिखाने वाला नहीं ज्ञानी। नहीं कभी, अरे सुबह सुबह छत पे जाते हैं ना कभी कभी, तो आवाज सुनते हैं ना तो हमको मन करता है, बताओ कितना इन लोगों का अच्छा जिंदगी। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। है अरे वो मेरा जिंदगी है साला, समझ में नहीं आता है, पता नहीं कहाँ से बुढ़ी मिल गई है हमको। कोई तुम्हारे पास कोई वो टॉनिक होता है ना, वो ताकत वाला टॉनिक जो खाने से एकदम पूरा सुनिए एकदम ना, शरीर हमको में एकदम जरूरत ताकत आ नहीं है जाता है? सबका, सुनिए ना, समझे। हमको पता है आपको किस चीज की जरूरत है, हाँ हमको आपसे ज्ञान ही लेना है कि किस चीज की ज्ञान जरूरत नहीं है लेना आपको। है, बड़ा बताओ है। जिस जिस सुबह जिस सुबह औरत के साथ, सुबह सुबह पटाए रहते हैं, खराटा तो दिखाएंगे ना, अभी सुनाएंगे ना, सब सब जिस हंसेगा। औरत के साथ मान लो शादी का मेरा 12 साल हो गया, उसके पहले से हम 6 साल से जान रहे हैं, 6 और 12 18, 18 साल से जिसके साथ हम रह रहे, उसके बारे में हमको रग रग पता है कि इसका कौन सा पॉइंट कहाँ है, कहाँ क्या दबाएंगे तो उसका क्या इलाज होगा, हमको सब पता है। सुबह उठने के बाद ए जी चलिए करते हैं ऐसा, हम कब बोले हैं? आप नहीं बोले हम बोलते हैं, तो ऐसा मुंह बनाएगी ना लगेगा ना कि साला कहाँ हम काहे जो बोल दिए, हम इससे अच्छा किसी और के साथ कर लो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कर लो जाके, कर एक एक मिनट रुकना जरा, लो ना जाकर किसी और से। आपको तमीज नहीं बात करने का, हम किसी से फोन बात नहीं, कर तो रहे आपको हैं तमीज है कि क्या या बोल गए हैं? डॉक्टर है अगला आदमी, आपको बुझा रहा है डॉक्टर कि है, डॉक्टर तो आप सिखा रहे हैं कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। कंटिन्यू करो। अरे फ्रेंड है मेरा यार, अभी अभी उसका ज्वाइनिंग हुआ है, हाँ, गजब वाला बात कर रहे हैं उससे। ज्वाइनिंग हुआ है, बड़ा ज्ञान फैल रहे हैं उसी को। सुनो ना, फालतू बात मत कीजिए मेरे साथ, ठीक है? हम फालतू बात बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं उसको? सुबह सुबह मुंह कान चिहार के बैठ जाते हैं कि नहीं हमको करना ही खुद तो नहीं सुते रहते हैं 10 घंटा तक। है। एक मिनट रुकिए, चुप रहिए, बिल्कुल बोल रहे हैं, बोल दीजिए तो मुंह तोड़ देंगे मार के, चुप मेरा कुछ मत बोलिएगा, हमारा रहिए, क्या बाबा, हम गड़ियाएंगे उसको भी और इसको भी, दोनों को, और पूछ देंगे बढ़िया से। चुप रहिएगा। बड़े आए हैं, सुनो ना, एक एक काम करते हैं ना, कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं ना कि देखो तुम तो अपना बीवी के साथ तो कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम मेरा ये है ना कि हम इसके साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अब अकेले ही करें, कुछ कुछ ना कुछ उपाय लगाते हैं उसका। तुम्हारे पास अगर कुछ तरीका है तो बताओ, नहीं तो एक काम करेंगे सुबह सुबह हम आ जाएंगे तुम्हारे घर के पास। क्या करेंगे उसके साथ? यार इसका हाँ, ना प्रॉब्लम समझ, नहीं, तुमको फोन कर, उसके तुमको पास फोन जाए क्या करूंगा एक मिनट, करेगा? उसके पास जाए आपको क्या जरा करेगा? से समझ अरे में नहीं आता है जी, हमको कुछ समझ में नहीं आता, आप बताइए। हमको लगता है कि आपको सच में समझ में नहीं आता हाँ है। पता है, तो बकलों से ब्याह कर लिए तो यही ना होगा, बहुत बकलों से ब्याह कर लिए हैं आप, तो बहुत तमीज तो वाले हैं। आपको अच्छा ये नहीं चीज नहीं सुनिए, आपको अपना समझ आपको बहुत लगा तमीज अच्छा है, हुआ, तमीज है कि किससे हमने क्या बोल रहे हैं? हमको ना हाँ, पता है कि किससे हमने क्या बोल रहे हैं, ठीक है, और किसके बारे में बोल रहे हैं हमको ये भी पता है, बदतमीज इस ज्यादा इंसान, दिमाग मत लगाइए आप। तमीज तो है नहीं कि औरत के बारे में क्या बोलना चाहिए आसपास या किसी के सामने, औरत का बेइज्जती कर रहे हैं आप ये अपना। बताइए, सच की कभी छुपा है किसी से क्या है? तो इतना सच बताइएगा, इतना सच सच होता है, सही बोलता है कोई, सच बोलने में जानते, सच को आदमी को सुन नहीं पाता है समझे, हाँ, सबको वही सुनाइएगा, वो झूठ भी झूठ बोल देंगे सुनेगा। ना कि मेरा बीवी तो खूब एकदम खुश रहती है, तब तो हम बड़ा खुश रहिएगा, जबकि सच्चाई है ही नहीं। वो सच्चाई जो अरे है, कब सुबह में, मतलब जब हम आपको सुनने कब में सुबह बुरा में आप लगता बोले हैं और हम नहीं है, राजी रोज हुए बोलते हैं हैं? समझे, रोज बोलते हैं हम, मेरे साथ तो आप उठते हैं, तो हम जब उठते हैं ना आपका चेहरा देखते हैं हम, समझे, सोचते हैं कि मेरा आपको बोल चेहरा रहे हैं, देखते लेकिन आपका हैं, चेहरा ऐसे करके पड़ा रहता है ना, तो लगता है कि क्या पड़े डिस्टर्ब रहते बोले हैं हम। हम, खुद तो इतना खराटा बेचते हैं कि क्या बोले। बड़ा आए हैं हमको तमीज सिखाने वाले, अच्छा ये बताइए खराटा कैसे ये क्या क्या, नहीं मतलब ये है? क्या है जो किसी को आप बता रहे हैं मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप? सोचते हैं घर के बारे में, अगर हम किसी को बोले यार तो लोग एक हंसेगा? डॉक्टर मान लीजिए हम जिस प्रोफेशन में हैं, अगर मान लीजिए कोई हमसे मिलेगा या कोई बात करेगा तो हम उसको सलाह देंगे कि नहीं देंगे, हम बताएंगे ना कहाँ तुमको घर लेना आप सही रहेगा डॉक्टर को कहाँ ही जरूर। सलाह दे रहे हैं? अरे यार तो हम जिस प्रोफेशन में वही सलाह देंगे ना, वो जिस प्रोफेशन में वही सलाह देगा ना,
अजी पागल नहीं सा नहीं बात तो करते आप हो। जो प्रोफेशन में है क्या आप सलाह दे रहे हैं? हम जो सलाह, वो हमसे बोला कि सुबह सुबह करो मजा आएगा, वो करता है तो हम बोले कि यार हम तो इस अपने बीवी से बोल बोल के थक गए, करती ही नहीं है ये। सुबह छोड़ो कभी शाम में भी बोलते हैं कहीं करने के लिए, खाली मुंह कान बना लो इससे बस। आपको पता है सुबह सुबह अगर कर लेंगे ना पूरा दिन जो है ना इतना मजे में गुजरेगा ना आप सोच नहीं सकते हैं। शरीर जो आप हमेशा बोलते हैं ना कि यहाँ पेट में दर्द है माथा में दर्द है, कुछ नहीं होगा। बस एक चीज करने से सोचिए शरीर में कितना बदलाव आ जाता है, आपको घंटा समझ में नहीं आएगा। वही डॉक्टर हमको समझा रहा है उसको नहीं बताए तो उसको तो आप अभी बोल रहे तुम कंटिन्यू करो, हम तुम कंटिन्यू करो तो कंटिन्यू करेंगे। नहीं हम नहीं कर पाएंगे इस उम्र में, इस उम्र में बिजी तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना, कर सकते हैं क्या? खाइए ना जो है उसी के साथ ना काम चलाएंगे, नहीं कर रहे तो क्या करेंगे हम? खुद सही होना नहीं है, अब दूसरा सही होना चाह रहा है तो उसके पीछे भी पड़ जाओ। बता लो तरह अब कल सुबह से देखिए चल जब बोलिएगा तब राजी रहेंगे समझे ना। मेरी बीबी बहुत अच्छी है बस यही बोलना है समझे। मेरी बीबी बहुत अच्छी है हाँ हाँ ऐसी बात बोलिएगा जैसा कि मेरी बीबी ऐसी और वैसे तब खाना खा लीजिएगा यार। तो अगर मान लीजिए आप मेरे बारे में आप कुछ गलत ये चीज नहीं जानते हैं कि नहीं कि डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए वरना ऐसा जिंदगी का लफड़ा लगेगा ना अब सुलझा भी नहीं। हम इलाज करवाने जा रहे हैं उसके पास का झूठ बोलेंगे? डॉक्टर है इसलिए उसे बोल रहे हैं हम जब सब ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मेरी बीवी नहीं करती है मेरी बीवी नहीं करती है मेरे साथ यही बोल रहे हैं क्या हम? अरे बताइए इतना मतलब जानते हैं सुबह सुबह जब उठते हैं कभी पानी पीने के लिए मतलब बालकनी में जाते हैं खिड़की से मतलब बालकनी से बाहर नीचे देखते हैं भाभी लोग जब सब टहल रही होती है ना देख करके हम सोचते हैं कि क्या लाइफ है लोगों का पति का इतना ये लोग करती है कि एकदम दिन ब दिन इन लोगों का जवान होते जा रही है सेक्सी होते जा रही है एकदम। अब क्या तो करें भाभी लोगों को ही देखिए ना तो क्या करें आपको आपको देखते तो आपका तो मुँह चेहरा का सोए रहते हैं करने बोलो तो मुँह कंटड़ा करने लगते हैं तो नीचे भाभी लोग जब टहलती है ना तो हमको देख करके इतना मन करता है ना कि काश अगर ये बीवी मेरी होती ना हम कितना करते इसके साथ। क्या करते जॉगिंग करते हैं यार गए वाले जॉगिंग करते हो क्या करते हम बोलते हैं सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए तो करते ही नहीं है उठिए खाली लड़ाई करते हैं मेरे साथ जॉगिंग करने में कोई तकलीफ है क्या? हम आपको बोलते हैं ना जॉगिंग करने के लिए हैं तुम लोग कहां जा रहे हो सोए रहेंगे सोचिए कितना अंदर से वो लगता है कि अगर सुबह सुबह अगर आप जॉगिंग कर ले अगर 15-20 मिनट भी जॉगिंग कर ले पूरा दिन कितना फ्रेश होकर गुजरेगा। हटिए आपको कुछ समझ में नहीं आता है लड़ाई करो डॉक्टर से सलाह भी ले रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है आप डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं जॉइन करने का और क्या लेंगे हम सलाह उससे यार तो ये क्यों बोलते हैं कि मेरी बीवी को जब बोलो तब करती नहीं है ये तो सही बात है जॉइन करते कहाँ जाए आप खाली रील बनाते हैं खाली बैठ करके तो सुना क्या बोले इस आदमी को ना आप करते हैं सही बोली करते हैं आप जब बोल तो करने के लिए तो मुंह बना के बैठ जाते हैं चलिए अभी करते हैं चलिए भाई आप जाइए खुद कर लीजिए अकेले हमको जरूरत नहीं है ठीक है मैं सही चलिए करते हैं बोले ना जाइए चलिए अपने तो कैसे करेंगे हाथ दर्द होने लगता है अरे मतलब एक्सरसाइज अरे अभी आप क्या बोले अरे पुशअप करते हैं तो एक्सरसाइज में पुशअप करते हैं ना तो हाथ दर्द होने लगता है ये हम बोल तो भी हमें करवाएंगे क्या अरे मतलब ऐसे ऐसे करते हैं ना ऐसे ऐसे तो हाथ दर्द होने लगता है वही तो हम बोल रहे हैं और क्या बोलेंगे हम थोड़ा मदद कीजिएगा मदद करेंगे अभी हम करेंगे रुक जाइए